खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस के सांसद सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में एनआरसी को लेकर सवाल पूछा था। नासिर ने अमित शाह से मुस्लिमों पर नाम ना लेने पर सवाल पूछा था। नासिर हुसैन का कहना है कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार, और जब समान अधिकार है तो फिर मुस्लिमों का नाम नहीं लेना क्या सही है? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब। इन्होंने अमित शाह से सवाल पूछा कि आखिर मुस्लिमों की बात क्यों नहीं की जाती है सिटीजनशिप बिल में। सर, आपने सवाल पूछा कि मुस्लिमों की बात नहीं होती है। मैंने ये पूछा कि एनआरसी में जिस तरह से बहुत सारे लोग करीब 17-18 लोगों को आसाम में नाम दर्ज नहीं हुआ, उसके चलते अमित शाह जी ने कलकत्ता में ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिनका नाम एनआरसी में दर्ज नहीं है वो अगर हिंदू कम्युनिटी से हैं, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बुद्ध कम्युनिटी से हैं तो उनको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनसे ये सवाल किया, क्या एनआरसी किसी को सिटीजनशिप देती है क्या? एनआरसी सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करती है, उसके बाद में फिर दूसरा लॉ है। तो होम मिनिस्टर ये कैसा कह सकते हैं कि उनको परेशान होने की जरूरत है, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी? कोई ऐसा लॉ हिंदुस्तान में बना है क्या? और वो मुसलमानों का नाम उस पर लिए नहीं। तो मैं उनको पूछ रहा था भैया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपने ये बयानबाजी दी करके।